Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing aphorism number 20. Let's see what Dr. Hahnemann has tried to explain us with the help of aphorism number 20. But before we begin with today's lecture, मैं आप सबसे request करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please इसे subscribe करिए और bell icon press करिए ताकि आप आने वाले aphorism के explanatory videos miss ना करो. Let's get started. Now friends, with the help of aphorism number 20, Dr. Hahnemann has tried to explain about the phenomenon of drug proving. यहाँ पर Dr. Hahnemann बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी medicine का nature है, जो कि एक dynamic nature की medicine है, जो हमारी डायनेमिक वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है, उसका जो फिनोमिनन है, उसके एक्शन का फिनोमिनन, ये हमें सिर्फ हेल्दी ऑर्गेनिज्म में प्रूव करने से मिल सकता है. दिस स्पिरिट लाइक पावर टू ऑल्टर मैन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हेंस टू क्योर डिजीज. किस चीज की पावर की बात की जा रही है? मेडिसिन की. विच लाइज हिडन इन द इनर नेचर ऑफ द मेडिसिन कैन in itself never be discovered by us by a mere effort of reason. वो जो spirit type power है एक medicine की, जो कि man के state को alter कर सकती है या फिर disease को cure कर सकती है, वो कभी भी mere effort या फिर किसी भी reason को देने के लिए discover नहीं की जा सकती. It is only by experience of the phenomenon it displays when acting on the state of health of man that we can become clearly cognizant of it. It is only by experience of the phenomenon. किस phenomenon की बात की जा रही है? जो drug proving का phenomena है, जिसमें medicine जो है वो act करती है healthy man पे, यही जो drug proving का process है, इसी के through हम medicine की curing power या फिर मैन की हेल्थ को, हेल्दी स्टेट को अल्टर करने की पावर के बारे में समझ सकते हैं. तो चलिए एक बार हम और इसको समराइज करते हैं. सो इन एफोरिज्म नंबर 20, बेसिकली डॉक्टर हैनेमन हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अस अबाउट द फिनोमेनन ऑफ ड्रग प्रूविंग, कि किस तरह ड्रग प्रूविंग में जब मेडिसिन हेल्दी इंडिविजुअल पे एक्ट करती है, तो उस एक्शन से हम मेडिसिन की जो स्पिरिट लाइक पावर है, जो कि मैन की स्टेट को अल्टर कर सकती है, मतलब बदल सकती है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड. अगर आपको एफोरिज्म नंबर 20 से कोई भी रिलेटेड डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग एक्सप्लेनेशंस मिस ना करो. थैंक यू.